नमस्कार, अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व वीर क्रांतिकारी हकीकत राय को किया गया याद, नतमस्तक होकर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। एटीएम से कैश निकालने के आरोपी इंजीनियर से पुलिस ने की नकदी बरामद। दुग्ध उत्पादन से किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिले भर के दुग्ध उत्पादकों ने कार्यशाला में लिया हिस्सा। वैश्य महाविद्यालय में बसंत पंचमी पर हुआ मां सरस्वती का पूजन। बेहतरीन कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षकों के लिए किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती पूजन के साथ मनाया गया बसंत पंचमी का त्यौहार व विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में मौजूद हैं रेबीज के इंजेक्शन। और अब खबरें विस्तार से। वीरवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि व वीर क्रांतिकारी हकीकत राय के बलिदान दिवस पर कृष्णा कॉलोनी व पंडित नेकेराम पुस्तकालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वीर क्रांतिकारी को कृष्णा कॉलोनी में बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने व नेकेराम पुस्तकालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नगर के प्रबुद्ध नागरिकों व समाज सेवियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। क्रांतिकारी वीर हकीकत राय के बलिदान को याद करते हुए धार्मिक संगठन से बाल योगी महंत चरणदास महाराज, युवा नेता कमल सिंह प्रधान, पंजाबी जनसंदेश शहीद सभा के अध्यक्ष ऋतिक वधवा, समाज सेवी विशंबर अरोड़ा ने कहा कि क्रांतिकारी वीर हकीकत राय की शहादत युवाओं व धर्म के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवाओं को उनके प्रेरणा लेकर देश धर्म की सेवा में आगे आना चाहिए। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर स्थानीय नेकेराम पुस्तकालय में लगी उनकी प्रतिमा पर नगर के प्रबुद्ध नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। इस अवसर पर समाजसेवी विशंबर अरोड़ा, नारायण दास, देवराज मेहता सहित अनेक नागरिकों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाल वीर हकीकत राय जी का बलिदान दिवस है, मैं उनको उनके बलिदान दिवस पर नमन करता हूँ। देश पे कुर्बानी देने वालों की तो लिस्ट बहुत बड़ी है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म के लिए कुर्बानी देने वाला एक ही बच्चा हुआ है वीर हकीकत राय। ना उससे पहले कोई बच्चे ने दी है और ना उसके बाद आज तक किसी ने धर्म के लिए कुर्बानी दी है। इस बलिदान दिवस पे मैं उनको नमन करता हूँ और सबसे हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ कि उसके बताए मार्ग पे चलें और संगठित रहें। आज ही के दिन हमारे महात्मा गांधी जी को गोली से उड़ा दिया गया था और आज उन पर भी हम नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज का दिन एक महत्वपूर्ण और है कि आज का दिन लाला लाजपत राय जी का जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। बड़े उल्लास से, बड़े महत्व से इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्थान दे दिया। 30 जनवरी को मैं उन सभी जो वीर शहीद जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान दिया, आज महात्मा गांधी की बलिदान दिवस है, इस पर मैं सत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जितने भी समाज के हमारे भाई हैं, नौजवान खास तौर पर, उनको इस बात की प्रेरणा हो कि जो हिंसा के मार्ग पर जाके अपना कार्य करते हैं या जो एजुकेशन करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वो महात्मा गांधी की तरह हिंसा के अगर मार्ग पर चलकर और अपने कानून के हिसाब से अगर कोई भी अपनी मांग रखते हैं, तो मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी की सबकी श्रद्धांजलि होगी। मैं वीर हकीकत राय जी को भी श्रद्धा से अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश के लिए एक हिंदू धर्म को बचाने के लिए जो कुर्बानी दी है, आज उनको भी मैं सशक्त नमन। एटीएम से कैश निकालने के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएम कंपनी के इंजीनियर धर्मेश से चोरी की नकदी हुई बरामद। जी हाँ, यह कहना है थाना प्रभारी हरि ओम का। उन्होंने बताया कि आरोपी से पुलिस द्वारा 1,40,000 रुपये नकद बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ अभी जारी है।
इस घटना के बाद भिवानी के थाना शहर पुलिस के आगे चोरों को पकड़ना काफी मुश्किल हो गया था, लेकिन थाना शहर पुलिस ने भी अपनी मुस्तैदी दिखाई और धर्मेश को दिल्ली से पकड़ लिया था। धर्मेश से पुलिस ने 1,40,000 रुपये की राशि बरामद कर ली है। अभी दूसरा आरोपी जो कि इस मामले का मास्टरमाइंड था, वह अभी फरार है। पुलिस अभी उसकी तलाश में है और छापेमारी कर रही है। आरोपी धर्मेंद्र अब इस घटना के बाद पछतावा कर रहा है। यूं तो धर्मेंद्र एटीएम में सर्विस मैनेजर का कार्य करता था, उसे सारे मामले की जानकारी थी और उसके लिए चोरी करना बाएं हाथ का खेल था। उसे एटीएम के पासवर्ड के बारे में भी जानकारी थी। थाना शहर पुलिस के प्रभारी हरिओम का कहना है कि इस मामले का मास्टरमाइंड सोहन अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन ज़्यादा दिन वह नहीं बच पाएगा, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने अभी 1,40,000 रुपये की राशि बरामद कर ली है। इंजीनियर कंपनी से आया था बैंक के डिमांड पर, उन्हीं से पूछताछ पे और साइबर की मदद से, जिसके सोहन का साथी आरोपी धर्मेंद्र सन ऑफ अशोक प्रसाद जो शिवपुरी दिल्ली में रहते हैं, सिवान बिहार का रहने वाला है, को मुकदमा में गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ से इस वारदात का खुलासा हुआ है। और चोरी की गई एटीएम से मशीन जो है ना, पासवर्ड इनको पहले से पता था, जब रिपेयर करने आए तो इन्होंने वो बैंक मैनेजर इसमें लापरवाह रहा है, उसको सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, इसकी मौजूदगी में उसने पासवर्ड जो इसका लॉक है, लॉक पासवर्ड है, उसको ये जानकारी इनको थी और इसी कारण से ये वारदात को अंजाम देने में सफल हुए थे। तो इसमें सोहन के साथी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है और इससे 1,40,000 की रिकवरी रकम जो है इसके हिस्से में आई थी, 60,000 इसमें खर्च कर दिए, 2,00,000 इसके हिस्से आए बरामद कर दिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए वीरवार को स्थानीय पंचायत भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला में दुग्ध उत्पादकों व सहकारी समिति से जुड़े पशुपालकों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। भिवानी में आयोजित कार्यशाला के दौरान बताया गया कि किस प्रकार कृषि के अलावा दुग्ध उत्पादन से किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। इसके लिए पशुओं की उचित देखभाल, समय पर पशुओं का वैक्सीनेशन, एंटी वर्मिंग दवाइयाँ, हरे चारे के प्रयोग के बारे में पशुपालकों को कार्यशाला के दौरान बताया गया। हरियाणा डेयरी विभाग के अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि दुग्ध उत्पादक किसान व पशुपालक सरकार द्वारा चलाई जा रही सहकारी समितियों से जुड़े तो वे अपने दूध की कीमत के अलावा कई अन्य लाभ भी कमा सकते हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों को दूध देने वाले पशुपालकों व किसान परिवारों के लिए 5,00,000 रुपये तक के बीमा की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा आपकी बेटी वीटा की बेटी योजना के तहत 11,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट भी दुग्ध उत्पादक किसान की बेटियों के लिए किया जाता है। सहकारी समितियों को दूध देने वाली पशुपालकों की बेटियों के लिए कन्यादान व उनके बच्चों को स्पोर्ट्स स्टाइफंड के अलावा 80% से अधिक अंक लाने वाले दुग्ध उत्पादक किसान की बेटा बेटी को स्कॉलरशिप भी हरियाणा डेयरी विभाग द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में दुग्ध उत्पादन को सहकारिता से जोड़ने के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम दूध तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम फैट का अतिरिक्त देने की व्यवस्था पशुपालकों के लिए की गई है ताकि वे अपनी आय बढ़ा सकें। आज की कार्यशाला हमारे मिल्क हरियाणा डेयरी विभाग द्वारा मिल्क प्लांट रोहतक की तरफ से आयोजित की गई है। इसमें हमें ये एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, असिस्टेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें कोऑपरेटिव उसके अंतर्गत चलाई गई है। इसमें हमारे एरिया के जो किसान भाई हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं, वह किसान भाई हैं जो हमें दूध सप्लाई करते हैं, उनको अवेयरनेस की जा रही है कि वो अपना हरियाणा डेयरी से जुड़ करके अपना जो पशुओं से जो दूध सप्लाई करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और जो मिल्क प्लांट द्वारा जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको का लाभ लें, क्योंकि मिल्क प्लांट दूध की कीमत के अलावा कई लाभकारी योजनाएं भी चलाता है, तो उसमें जैसे विशेषकर है कन्यादान है, दूसरा सपोर्ट्स पर्सन के लिए क्यों ये वो दिया जाता है, इनको इनाम दिया जाता है, और इसके अलावा स्कॉलरशिप की है जो बच्चे उनके बच्चे 80% से मार्क्स 10वीं में या 12वीं में लेते हैं तो उनको भी वो दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। इसके अलावा जो बेटी उसे बचाओ बेटी पढ़ाओ के
अंतर्गत बीटा की बेटी आपकी बेटी बीटा की बेटी के अंतर्गत उनको फिक्स डिपॉजिट भी 11,000 का किया जाता है। ये प्रकार के जो 5,00,000 का बीमा भी उनका मुफ्त किया जाता है। उसके अलावा कई और अन्य भी सुविधाएं हैं जो उनका लाभ लें। रैनी जाटान से आई हूँ, हमारा दूध का काम है, हमारे अभी MC लगे है, चिलिंग सेंटर है, उसमें हम गांव-गांव से दूध उठाते हैं, वो संतुष्टि से हमें दूध देते हैं और उनमें अच्छा फायदा होता है। इस दौरान सबको फायदा होता है, जो भी सरकार की स्कीमें आते हैं उन्हें बताते हैं। वीरवार को बसंत पंचमी के अवसर पर वैश्य महाविद्यालय प्रांगण में मां सरस्वती का पूजन किया गया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के महासचिव पवन भवानीवाला द्वारा मां सरस्वती का माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने सृष्टि की रचना में मां सरस्वती के विशेष योगदान की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर प्रबंध समिति के महासचिव पवन कुमार भवानीवाला ने बताया कि बसंत पंचमी का माँ सरस्वती के साथ अनूठा संबंध है। इसी दिन को आज बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन माँ सरस्वती ने सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा का संदेश भी दिया था। बसंत पंचमी के दिन से ही सरसों की फसल पूर्ण रूप से पीला रूप धारण कर लेती है। इस दौरान पवन कुमार भवानीवाला व स्टाफ सदस्यों ने लाला लाजपत राय की जयंती व महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। महाविद्यालय की कार्यकारी प्राचार्य डॉ. सुधा चौहान ने सभी उपस्थित सदस्यों को लाला लाजपत राय व महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर संजय गोयल ने भी उपस्थित सदस्यों को बसंत पंचमी की बधाई देते हुए इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला। वेस्ट कॉलेज भिवानी में आज माँ सरस्वती की पूजा की गई है, या विद्या की देवी है। आज बसंत पंचमी में भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो जो रचना करने के बाद पता चला कि कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो भगवान विष्णु से पूछा क्या किया जाए। तो भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को सुझाव दिया कि आप माँ सरस्वती की आराधना करें, उससे माँ सरस्वती का उत्पन्न हुई। और माँ सरस्वती के उत्पन्न होने से जब उन्होंने अपनी वीणा बजाई तो हर आदमी बोलने लग गया। केवल ये बसंत पंचमी का दिन है, आज का दिन हमारे भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इसी दिन हमारी गेहूं की फसल की बालियां निकलने शुरू हो जाती है, सरसों अपनी पीली सरसों खेतों में लहराती है, तो आज का दिन का बहुत महत्व है। वीरवार को स्थानीय सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा वर्ष भर में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षक दिलबाग सिंह, विनोद पिंकू, परमेश्वरी देवी इत्यादि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया व उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा पूरे वर्ष भर बेहतरीन कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन स्थानीय सेठ किरोड़ीमल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। शारीरिक शिक्षक दिलबाग सिंह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी को बेस्ट BLO, शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू राजकीय उच्च विद्यालय शिवाड़ा को बेटियों के सम्मान में प्रतिमाह जन्मदिन मनाने व परमेश्वरी देवी DP कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी को खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी तैयार करने पर शिक्षक संघर्ष समिति द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस बारे में हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के मुकेश कुमारी अजमेर सिंह प्रवक्ता ने बताया कि संघर्ष समिति पूरे वर्ष भर बेहतरीन कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षकों को सम्मानित करती है और भविष्य में भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षकों को सम्मानित करती रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्राचार्य शिव कुमार तंवर ने शारीरिक शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शारीरिक शिक्षक विद्यालय के रीढ़ की हड्डी होते हैं। जिस विद्यालय का शारीरिक शिक्षक बेहतरीन कार्य करता है उसके लिए शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदीश चंद्र जांगड़ा प्रवक्ता व विनोद परमार शिवाड़ा रहे। मंच का संचालन रविंद्र व दिलबाग PTI ने किया। जैसा आप देख रहे हैं हमारे सभी जो हैं PTI इस ब्लॉक के और दूसरे ब्लॉकों के भी आए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी के। हमारे दो टीचर हैं जो विनोद कुमार जी PTI जो शिवाड़ा हैं और मैडम परमेश्वरी देवी जो गर्ल्स स्कूल में हैं। इन सभी का शारीरिक संघर्ष समिति की तरफ से आज जो है इनका बहुत ही वेलकम किया गया है, क्योंकि
जिला प्रशासन भिवानी ने इनकी सेवाओं को देखते हुए पूरे साल इसमें कोई शक नहीं कि ये लगातार बहुत ही प्रयासरत रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। मेरा जो देखने में आया है वो मैं ये तो चलो कोई नहीं दो नाम छाटे हैं, लेकिन मेरी प्रशासन से ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे बहुत से पीटीआई जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इन्होंने जो है स्कूलों की कायाकल्प कर रखी है, बहुत मेहनती हैं, इसलिए इनको थोड़ा कोटा ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। मैं तो ये अपील करूँगा प्रशासन से और इन दो टीचर्स ने जो है जिनको पर्टिकुलरली सम्मानित किया है तो इनकी उपलब्धियाँ हैं, इनको बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है बेटियों की सुरक्षा के लिए, जो है हमेशा ये कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं स्कूल में अखबारों के जरिए और वैसे सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चलता रहता है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मुझे 26 जनवरी के लिए चुना गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो हमारा शिवाड़ा स्कूल का जो स्टाफ है वो बहुत मेहनती है, ये उनके अथक प्रयासों से ही मुझे मिला है। और जब हम बेटे का जन्मदिन मनाते हैं स्कूल में तो हमारे साथी विनोद परमार जी हैं, जगदीश जी हैं, सुरेश शास्त्री हैं, रमेश कुमार जी हैं, वो भी बच्चों को गिफ्ट लेकर देते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल रहा। रही बात पौधारोपण की, हम बच्चों के जन्मदिन पे पौधा लगाते हैं और उस पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी भी बच्चों को ही देते हैं और इसमें हमें समय समय पर गांव का भी सहयोग मिलता रहता है। वहाँ नमकीन मिट्टी होने के कारण हमने गांव के सहयोग से सभी हमारे जो शिवाड़ा स्कूल के स्टाफ सदस्य हैं उनके सहयोग से बाड़े डलवा के वहाँ हमने घास लगवाया और जिसके कारण हमारा वहाँ चार पार्क हमारे बन गए। और हम एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सभी अध्यापक हैं बहुत कर्मठ और मेहनती हैं और साहब ने बताया कि जो हमारा कोटा है वो बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मैं अकेला चुना गया हूँ, इसके बाद में भी 15-20 अध्यापक ऐसे हैं जो पीटीआई साथी जिनको चुना जाना ज़रूरी था। आज जो ये संघर्ष समिति ने हमारी ये पार्टी रखी इसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, प्रिंसिपल सर का और आए हुए सभी डीपी पीटीआई का, और हमें जो ये सम्मान दिया गया है जो हम स्कूलों में जैसे भी भाई इन्होंने बताया है ने बच्चों के बर्थडे पर हम हरेक पीढ़ी पे पौधा लगवाता है और उसकी जिम्मेवारी बच्चे को ही सौंपते हैं हम, और वैसे भी गर्ल्स स्कूल जहाँ होते हैं वहाँ जिम्मेवारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉयज भी कम नहीं है आजकल के, उनकी भी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। तो हमारे बहुत सारे डीपीपीटीआई से हैं जो हमसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। वीरवार को तोसाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विश्व कुष्ठ निवारण दिवस व बसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रुपेंद्र रंगा, यूएस पाहवा व डॉक्टर ईश्वर दास गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कुष्ठ निवारण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर डॉक्टर डीपी कौशिक ने अपने स्टाफ सहित अतिथियों के साथ हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया और माँ सरस्वती का पूजन किया। स्थानीय टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बसंत पंचमी विश्व कुष्ठ निवारण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर रुपेंद्र रंगा, डॉक्टर यूएस पाहवा, डॉक्टर सुशील धमीजा व डॉक्टर ईश्वर दास गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की तथा बच्चों को कुष्ठ निवारण के बारे में जानकारियां प्रदान की। वहीं माँ सरस्वती का पूजन करते हुए नव आगंतुक बच्चों का पट्टी पूजन भी किया गया। अतिथिगणों व डॉक्टर प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने कुष्ठ निवारण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने बच्चों व अभिभावकों को रोग से बचने के बारे में बताया। डॉक्टर सुशील धमीजा ने चाइना में फैले कोरोना वायरस के बारे में भी बताया और इससे बचने के उपाय भी अभिभावकों को बतलाए। डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने कहा कि कुष्ठ रोग से घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी शुरुआती अवस्था में इसकी पहचान करके इससे आसानी से बचा जा सकता है। बसंत पंचमी के अवसर पर बच्चों के दाखिले हेतु पट्टी का पूजन का आयोजन किया जाता है, ये जानकारी विद्यालय प्राचार्य ने दी। उन्होंने बताया कि जिसमें अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को दाखिले के लिए लेकर आते हैं और उन्हें पूरी विधि विधान के अनुसार उनकी शिक्षा की शुरुआत की जाती है। विद्यालय इंचार्ज सरिता शर्मा, अनिता बासोतिया, सुखवीर सिंह व पूरा स्टाफ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहा और अपनी भूमिका निभाई। वीरवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल का रियलिटी चेक किया गया। गौरतलब है कि बीते अनेक दिनों से अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं होने की शिकायतें आ रही थी, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन द्वारा एंटी रेबीज इंजेक्शन का
पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध करवा लिया गया है। कुत्ते के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है। भिवानी के सामान्य अस्पताल में तीनों मरीजों को रेबीज का इंजेक्शन दिया गया। यहाँ इंजेक्शन मौजूद था। स्टाफ नर्स ने बताया कि सभी सुविधा यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल 40 इंजेक्शन स्टॉक में रखे गए हैं। मरीजों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सही इलाज उन्हें मिला है। मरीजों ने बताया कि 100 रुपये में ही यह इलाज मिल गया है। अगर किसी निजी अस्पताल में जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल है। कितने इंजेक्शन मौजूद है? अभी पेशेंट भी आया था, क्या उसको लगा दिया है? लगा दिया। और कितने स्टॉक के अंदर पड़े हैं अपने पास? एक। कितने बताए हैं उससे भी और पड़े हमारे 40 इंजेक्शन, मतलब सारी व्यवस्था यहाँ पर है। हाँ जी। डाणा लाडनपुर से जी। क्या हुआ था? कुत्ते ने काट लिया था जी। फिर अब क्या इलाज हुआ आपका? इलाज टीका लगा दिया जी इनको। अच्छा, कितने पैसे लगे हैं? 100 रुपये लिए हैं जी, 5 रुपये पर्ची के, 100 रुपये वैसे। और बाहर कितने का इंजेक्शन है? बाहर का तो मैंने तो पता भी कौन, 500 का 600 का मैंने तो। मतलब बाहर महंगा है ये? महंगा है जी। यहाँ पर इलाज हो गया? हाँ जी। आज मेरे भतीजे को कुत्ते ने काट लिया था हल्लू बाज़ार में, और मैं सामान्य अस्पताल में उसका इलाज करवाने के लिए आया हूँ, जिसमें वो इलाज अभी टिक्का लगा देंगे, जिसमें 100 रुपये की पर्ची कटी थी, एक 5 रुपये की इमरजेंसी पर्ची कटी थी। बाहर का तो अभी पता नहीं, पर यहाँ भी सुविधा ठीक है और सही, ज़्यादा रेंज भी नहीं है, बिल्कुल सामान्य आदमी के लिए बिल्कुल बढ़िया बेहतर है। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व वीर क्रांतिकारी हकीकत राय को किया गया याद, नतमस्तक होकर अर्पित की गई श्रद्धांजलि। एटीएम से कैश निकालने के आरोपी इंजीनियर से पुलिस ने की नकदी बरामद। दुग्ध उत्पादन से किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर कार्यशाला का हुआ आयोजन, जिले भर के दुग्ध उत्पादकों ने कार्यशाला में लिया हिस्सा। वैश्य महाविद्यालय में बसंत पंचमी पर हुआ मां सरस्वती का पूजन। बेहतरीन कार्य करने वाले शारीरिक शिक्षकों के लिए किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सरस्वती पूजन के साथ मनाया गया बसंत पंचमी का त्यौहार व विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में मौजूद हैं रेबीज के इंजेक्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।